फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और इस वीडियो में हम डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट टू में आपसे उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें हमने पार्ट वन में कवर नहीं किया था। यदि आप पार्ट वन नहीं देख पाए हैं तो पार्ट वन ज़रूर देखिए। इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं उसमें से ये तीन क्वेश्चंस, फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से लिए गए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तीनों क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के हैं और एग्जाम्पलर के हैं। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये मैंने एक कंसेप्चुअली आपके लिए क्वेश्चन बनाया है ताकि आप एनसीईआरटी के कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं पर उनमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आएगी और हम उस प्रॉब्लम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस करते हैं इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 2 पे। तो द क्वेश्चन विल बी लाइक, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी x इज इक्वल टू 2 पर हमें डिस्कस करनी है। तो x इज इक्वल टू 2 पर हमें मालूम है कि अगर फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की डिफिनीशन है लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ हमें 2 पे चेक करना है तो एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। एफ ऑफ 2 प्लस एच, 2 प्लस एच मीन्स बिगर देन 2, तो x व्हेन बिगर देन 2 है तो ये वाला केस लेंगे हम, तो 2 प्लस एच हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेकेंड वाले ऑप्शन में x की जगह 2 प्लस एच लिख देंगे, 2 प्लस एच माइनस 1 इंटू 2 प्लस एच ओवर। अब इसके बाद माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 के लिए कोई क्राइटेरिया इसमें ध्यान नहीं दिया, तो आप एक सेकेंड रुकें, इसमें नीचे वाले केस में ही लेस देन और इक्वल टू है तो इक्वल टू 2 इसी में रख सकेंगे, तो 2 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन एच। आप ध्यान दें कि इसको पहले पूरा सिंप्लीफाई करेंगे हम और फिर इसकी लिमिट इवैल्यूएट करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 प्लस एच माइनस 1 इज 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इंटू 2 प्लस एच, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, 2 प्लस 1 एच प्लस 2 एच प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, ये 2 2 क्या होंगे कैंसिल होंगे, h इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच प्लस 2 एच होगा 3 एच, एच लिया कॉमन, 3 प्लस एच अपॉन एच, एच एच कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 रखा तो h का ये इसका वैल्यू आया 3। तो इसका दोस्तों राइट हैंड लिमिट आ गया हमारे पास, राइट हैंड लिमिट इज व्हाट, राइट हैंड लिमिट इज 3। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं यहीं निकाल देता हूं, आप देखिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच मीन्स स्मॉलर देन 2, तो स्मॉलर देन 2 इस वाले केस में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 फिर उसी केस में जाएगा इज इक्वल टू 2 वाले केस में जैसा ऊपर गया था यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 2 होल अपॉन माइनस एच। अब आप ध्यान से देखें कि ये जो 2 माइनस एच जो लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन के अंदर 2 माइनस एच लिखा है, तो इसकी वैल्यू h की लिमिट रखे बिना ही कैलकुलेट हो जाएगी। अज्यूम करते हैं कि h निगलिजिबल है और h अगर निगलिजिबल है तो 2 माइनस एच क्या होगा, 2 माइनस एच होगा 1.99999 इस तरह से, क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी है। तो जब आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू आएगा 1, तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस, इसको कैलकुलेट कर ले 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 इज 2 अपॉन में कितना आ गया हमारे पास माइनस h,
इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये देखिए 2 माइनस एच माइनस 2, तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एच अपॉन माइनस एच कैंसिल हो गया, तो वो हो जाएगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। अब ध्यान से देखें, राइट हैंड लिमिट इज 3, लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, देयरफॉर इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो जो पहला केस है वो एक्स इज इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, सॉरी ये एल एच एल लिख दिया था, एल एच डी आएगा यहां पर, सिंस आर एच डी इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2, 2 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, दूसरा केस है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों जिसमें स्क्वायर नहीं होता है, एक्स साइन 1/x होता है, तो वो वाला भी मैं आपसे केस डिस्कस करूँगा, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट इसमें देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 चालू कर दिया हमने सॉल्व करना, और राइट हैंड लिमिट इसकी 0 पे चेक करना है हमें, तो राइट हैंड लिमिट विल बी, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 0 प्लस एच, 0 प्लस एच कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, वो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो 0 प्लस एच होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस व्हाट इज एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 इज 0, तो ये 0 आ गया, अपॉन में कितना आ गया एच इज इक्वल टू, इसी में चलने देते हैं, इसी सीध में लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन 1/h अपॉन एच, ये एच एच कैंसिल हो गया, अब ये है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच साइन 1/h। अगर आप मेरा डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे होंगे तो एक कन्फ्यूज़न हो सकता है, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम हो तो कंटिन्यूटी में एक वीडियो, कंटिन्यूटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो दिया है जिसमें समझाया गया है कि वाई दिस इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होगा। साइन थीटा अपॉन थीटा, छोटा सा डिस्कशन मैं यहाँ भी कर देता हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज 1 व्हेन थीटा टेंड्स टू 0, तो जब एच 0 की तरफ जाएगा तो एंगल विल टेंड टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये भी इन्फिनिटी की तरफ, तो ये 1 नहीं होगा, क्योंकि थीटा अगर 0 की तरफ जा रहा है तो ये भी 0 की तरफ जाना चाहिए, ये भी 0 की तरफ जाना चाहिए, तभी इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो दिस कैनॉट बी 1, तो बात थी कि ये 1 नहीं हो सकता है, तो फिर ये क्या होगा वो देखते हैं। और यदि आपके पास 30 मिनट्स स्पेयर करने के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, आपकी कुछ इच्छा है, तो आप कंटिन्यूटी की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं, 30 प्लस मिनट्स का मतलब 33-34 मिनट्स का हो सकता है वीडियो हो, तो आप उसको देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके सारे कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्लियर होंगे। तो फिर क्या होगा, तो व्हेन एच टेंड्स टू 0, जब एच 0 की तरफ जाएगा तो 1/h किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और साइन 1/h क्या होगा, तो साइन 1/h एक ऑसिलेटिंग फंक्शन होगा, कैसा, क्योंकि साइन का ग्राफ यूं बनता है हमेशा प्लस 1 और माइनस 1 के अंदर ही होता है, प्लस 1 से माइनस 1 तक होता है, तो ये जो वैल्यू है इसकी कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, माइनस 1 से लेके प्लस 1 तक, जो कि कैसी वैल्यू है, विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू, कैसी वैल्यू है, ये फाइनाइट वैल्यू है, तो ये फाइनाइट वैल्यू है, और h किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ, तो 0 इंटू फाइनाइट इज 0 इंटू फाइनाइट इज वॉट, 0 इंटू फाइनाइट इज 0, तो ये इसका राइट हैंड डेरिवेटिव है, 0 इंटू फाइनाइट इज 0। अगर यहाँ पर दोस्तों एक्स स्क्वायर की जगह क्या होता आपके पास, एक्स साइन 1/x होता है, तो फिर क्या होता, तो फिर उस केस में यहाँ एच स्क्वायर की जगह एच आता, एच से एच कैंसिल हो जाता, तो यहाँ केवल आपके पास क्या बचता उस केस में, साइन 1/h, फिर क्या होता, फिर होता एच टेंड्स टू 0, 1/h टेंड्स टू इन्फिनिटी, और साइन 1/h ऑसिलेट्स फ्रॉम माइनस 1 टू 1,
माइनस वन से वन तक साइन की वैल्यू ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती, तो वो वैल्यू क्या होती, फाइनाइट तो होती पर वो फिक्स नहीं होती, क्योंकि वो वैल्यू आप जज नहीं कर सकते, इतनी तेज़ी से चलती है। तो इसके लिए उसकी वैल्यू क्या होती, उसकी वैल्यू फाइनाइट तो होती पर फिक्स नहीं होती। तो ये वैल्यू उस केस में ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, और राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन वन बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, क्या हो जाता उस केस में, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता, डिफरेंशिएबल नहीं होता। कब, जब ये ऐसा होता। तो ऐसा जेई में भी एक सवाल आता है, उसमें इसके ऊपर जोर रहता है एक्स टू द पावर पी साइन वन बाई एक्स व्हेन एक्स इज नॉट जीरो, जीरो व्हेन एक्स इज जीरो, और उसमें पी की वैल्यू पूछी जाती है कि फॉर व्हाट पी इट इज़ डिफरेंशिएबल या फॉर व्हाट पी इट इज़ कंटिन्यूअस, क्योंकि यही कि सेम टू सेम डिस्कशन कंटिन्यूटी में भी है। जो पिछला क्वेश्चन था ये वाला एक्स साइन वन बाई एक्स का क्वेश्चन, ये कंटिन्यूअस है दोस्तों, किस पे कंटिन्यूअस है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये कंटिन्यूअस है, पर ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कंटिन्यूअस तो है डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। और दूसरा एग्जाम्पल ये वाला है, आपने देखा होगा, जो उसको भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये कंटिन्यूअस है जीरो पर डिफरेंशिएबल नहीं है जीरो पे। इसी तरीके से मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव कंटिन्यूअस तो है एक्स इज इक्वल टू फाइव पे, डिफरेंशिएबल नहीं है एक्स इज इक्वल टू फाइव पे। तो ये आप देखिएगा, पिछले वीडियो को भी देखें, आपको और फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर आप अपने पास रख सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये राइट हैंड डेरिवेटिव था, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज व्हाट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच। एफ ऑफ जीरो माइनस एच कौन से अकाउंट में जाएगा, आप देखिए जीरो माइनस एच इज नॉट जीरो, तो वो भी इसी में जाएगा, तो ये जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच को मैंने माइनस एच लिख दिया, अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस एच आ जाएगा। अब इसको मैं रब कर देता हूँ, देखिए अब अगर इसमें से लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस कॉमन ले ले तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस एच होल स्क्वायर विल बिकम एच स्क्वायर, अपॉन में कितना आ जाएगा माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन वन बाई एच। सेम एक्सप्लेनेशन इज नीडेड नाउ, फिर से उसी तरीके का एक्सप्लेनेशन लगेगा, कौन सा एक्सप्लेनेशन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेम टू सेम डिट्टो, वही की वही एक्सप्लेनेशन, एज एच टेंड्स टू जीरो वन बाई एच टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस वन। आप ये मत सोचिए कि जीरो इंटू एनी थिंग से जीरो लिख देंगे, नहीं नहीं नहीं, जीरो इंटू एनी थिंग इज नॉट जीरो, बिकॉज जीरो इंटू इन्फाइनाइट इज नॉट डिफाइंड, ये कैसा फॉर्मेट है, नॉट डिफाइंड, तो आप एनी थिंग नहीं लिख सकते, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जीरो इंटू फाइनाइट इज जीरो, इसलिए आपको ये डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप ये जो लिख रहे हैं ये फाइनाइट है। तो देखिएगा एच टेंड्स टू जीरो वन बाय एच टेंड्स टू इन्फिनिटी, और साइन वन बाय एच का वैल्यू माइनस वन से वन है जो कि फाइनाइट है, और जीरो इंटू फाइनाइट इज वॉट जीरो। तो सेम एक्सप्लेनेशन एल एच डी के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, तो एल एच डी भी आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी जीरो है क्वेश्चन नंबर टू के लिए। तो सिंस आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर फंक्शन द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एफ डैश जीरो। अब आप एफ डैश जीरो की वैल्यू बोल सकते हो, क्या होगी एफ डैश जीरो की वैल्यू, जो इसकी वैल्यू आती है वही एफ डैश जीरो की वैल्यू बन जाती है, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो है।
तो दोस्तों ये था उस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड डिस्कशन भी किए। एक मैं आपको क्वेश्चन उस तरह का असाइन कर देता हूँ जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको सेकंड ए नाम देता हूँ उस क्वेश्चन का, आप उसको ज़रूर से करिएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर साइन वन अपॉन एक्स माइनस ए व्हेन एक्स इज नॉट ए, जीरो व्हेन एक्स इज ए एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएबिलिटी इज टू बी डिस्कस, डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आप डिस्कस करेंगे, ये भी डिफरेंशिएबल आएगा, बिल्कुल उसी के जैसा है। यहाँ पर आपको राइट हैंड लिमिट में लिखना है, राइट हैंड डेरिवेटिव में लिखना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लेफ्ट हैंड में एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो सेकेंड बी जो दूसरा मैं आपके लिए सोचता हूँ, जिससे आपको फिर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस गेन होगा, उसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। x माइनस बी कॉस ऑफ वन अपॉन x माइनस बी व्हेन x इज नॉट बी एंड जीरो व्हेन x इज बी इज कंटिन्यूस, या ऐसा लिख देते हम प्रूव दैट, इस क्वेश्चन को ऐसा लिख देते हैं, प्रूव दैट f of x दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू बी बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू बी। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको जब करेंगे तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव ऐसा मिलेगा आपको, या आप नोट कर लें। कंटिन्यूटी तो आप सेपरेटली करेंगे चेक, कंटिन्यूटी बराबर आएगी। राइट हैंड डेरिवेटिव में आपके पास आएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो कॉस वन बाय एच, और वो जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था व्हेन एच टेंड्स टू जीरो वन बाय एच टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड कॉस वन बाय एच ऑसिलेट्स फ्रॉम माइनस वन से वन विच इज़ अ फाइनाइट वैल्यू बट नॉट अ फिक्स वैल्यू, विच इज़ अ फाइनाइट बट नॉट अ फिक्स। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा है, फाइनाइट नॉट फिक्स्ड, फाइनाइट तो है पर नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। इसलिए ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन बनेगा एट एक्स इज इक्वल टू बी पे। तो ये आप ज़रूर से देखिएगा, और अगर इन केस आप प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यू मे राइट टू मी। कमेंट बॉक्स में भी आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं अपनी बात। अब देखिए दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से लिया है। फॉर व्हाट पी एंड क्यू दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए आप, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन। तो सिंस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी होती है, राइट हैंड की होती है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच। ये राइट हैंड डेरिवेटिव और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू है, और ये दे शुड बी व्हाट, ये फाइनाइट एंड फिक्स भी होना चाहिए, फाइनाइट और फिक्स्ड, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे वन प्लस एच एफ ऑफ वन प्लस एच, देखिए आप वन प्लस एच मीन्स बिगर देन वन, बिगर देन वन के लिए फंक्शन है आपके पास ये वाला, तो यहाँ पर आ जाएगा दिस इम्प्लाइज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो क्यू इंटू वन प्लस एच प्लस टू, ये राइट हैंड लिमिट हो गई, सॉरी एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन देखिए एक्स इज इक्वल टू वन इसमें रख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपके पास वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस पी होल अपॉन एच, लिमिट
एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ वन माइनस एच, वन माइनस एच इसी में आएगा आपका, तो यह जाएगा वन माइनस एच होल स्क्वायर थ्री इंटू वन माइनस एच प्लस पी माइनस इज इक्वल टू वन, भी इसी में आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू वन इसी में रख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें x इज इक्वल टू वन, तो x की जगह वन लिख दीजिए, होल अपॉन माइनस एच। अब कई बार बच्चे ऐसे ऐसे भी करते हैं, ये एच से एच को कैंसिल कर देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते जब तक आप इसको पूरा कैलकुलेट नहीं कर लेंगे। आप इसे पहले पूरा कैलकुलेट करेंगे, उसे पूरा कैलकुलेट करेंगे और आंसर में आपके h नहीं बचना चाहिए। तो ये मुझे मजबूरी हो गई कि इसको रब करना पड़ेगा। आपने होपफुली नोट किया होगा क्वेश्चन, काफ़ी सारी बात हमने डिफरेंशिएबिलिटी पे की हुई है। आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, आपका कंसेप्ट बहुत सॉलिड होने वाला है। देखिए ये आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए q प्लस क्यू एच प्लस टू माइनस, ये हो जाएगा वन स्क्वायर वन प्लस थ्री फोर, फोर माइनस पी होल अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, वन माइनस एच होल स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस थ्री माइनस थ्री एच प्लस पी माइनस, उसको भी कैलकुलेट कर लें तो हो जाएगा माइनस फोर माइनस पी होल अपॉन वॉट माइनस एच। ये आप किसको जिसको जिसको जिससे कैंसिल कर सकते हैं उसको देख लें, ये पी से आप इस पी को कैंसिल कर दें। ये देखिए ये वन है और ये थ्री है, वन प्लस थ्री फोर हो गया, ये फोर से कैंसिल कर दें। एरो का स्टाइल देखें आपने, ऐसे 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 ऐसे। अब ध्यान से देखो, इधर देखते हैं अपन जो कुछ होने वाला है लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो। इसमें देखिए आप अपने पास क्या बचेगा, q माइनस पी और 2 माइनस एच, q माइनस पी माइनस 2 अपॉन h, इसके अपॉन में h ले लिया, प्लस ये QH है, QH के भी अपॉन में h आ गया, एच एच सेपरेट कर दिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देख लेते हैं वो इसकी कौन सी लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट डेरिवेटिव है, तो ये लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो और राइट हैंड साइड ही है h स्क्वायर माइनस टू एच माइनस थ्री एच, तो ये जाएगा h स्क्वायर माइनस फाइव एच अपॉन माइनस एच। ये तो कैलकुलेट हो जाएगी, h की जगह क्या रख देंगे हम इसको, तो अगर मैं आप कहो तो मैं साइड में इसको कैलकुलेट ही कर देता हूँ। वैसे तो ये नीचे नीचे ऐसे ऐसे कैलकुलेट होती रहती है, पर इसको मैं यहाँ कैलकुलेट कर देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो h माइनस फाइव अपॉन माइनस एच, एच से एच को कैंसिल कर दें, ये एच की जगह ज़ीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा ज़ीरो माइनस फाइव अपॉन माइनस वन, तो ये फाइव आ गई। अब हम ध्यान दें इस बात पे कि हमारा जो भी आंसर होगा वो फाइनाइट होगा और फिक्स्ड होगा, तभी हमारी लिमिट जो तभी हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल बनेगा। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल बनने के लिए ये वाली वैल्यू तो आ गई, किसकी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ चुकी है फाइव, फाइनाइट भी है फिक्स्ड भी है। अब इसकी वैल्यू भी फाइव और फाइनाइट और फिक्स्ड होना चाहिए, तो ये एच से एच तो कैंसिल हो गया। अब एच से एच कैंसिल हो गया, अगर मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूँ एच की जगह ज़ीरो, तो देखिए दोस्तों क्या बात हो जाएगी। अगर मैंने h की जगह ज़ीरो रख दिया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, आप इसको ध्यान दें, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। अगर h की जगह ज़ीरो रख देंगे हम, तो h की जगह ज़ीरो रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, q माइनस पी माइनस टू, क्यू माइनस पी माइनस टू अपॉन ज़ीरो। अगर ये q माइनस पी माइनस टू अपॉन ज़ीरो है और ये मान लीजिए कि ज़ीरो नहीं है, कुछ है, वन है टू है थ्री है सेवन है फोर है फाइव है रूट टू है रूट सेवन है या माइनस थ्री है, कुछ भी है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी अगर ऊपर रख दिया हमने, सेवन अपॉन ज़ीरो माइनस रूट टू अपॉन ज़ीरो माइनस थ्री अपॉन ज़ीरो फोर पॉइंट फाइव अपॉन कुछ भी रख दो आप ऊपर वैल्यू, इसकी अगर कुछ भी वैल्यू हो गई है ना अदर देन ज़ीरो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर इसका ही आंसर इनफाइनाइट हो गया
तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो नहीं सकता है, क्योंकि फंक्शन को डिफरेंशिएबल बनाना है तो टू मेक इट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन बनाने के लिए इसका इनफाइनाइट होना घातक है, इट शुड नॉट बी इन्फिनिटी। और ये इन्फिनिटी कब नहीं होगा, तो इन्फिनिटी अगर मान लीजिए इसको 2 है, 4 है, 7 है, कुछ भी होगा अदर देन 0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। पर अगर q माइनस p माइनस 2 ऑटोमेटिकली 0 हो, अगर आपका q माइनस p माइनस 2 ऑटोमेटिकली 0 हो, तो 0 अपॉन h क्या हो जाएगा, 0 अपॉन h 0। आप ये मत सोचो कि 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, अगर ये वैल्यू पहले से ही 0 हो गई, अभी h तो नहीं हुआ ना 0, अभी h किसकी तरफ जा रहा है, h 0 की तरफ जा रहा है, h टेंड्स टू 0, h इज नॉट 0 राइट नाउ, h अभी 0 नहीं है, अभी अगर ये ऊपर वाला 0 हो गया तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो आउटकम है इफ इट इज 0 तो हमारे हाथ में नहीं है, तो वो तो 0 हो गया अपने से ही। और ये अगर 0 नहीं है क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो इसका आउटकम कितना आएगा, 0 आएगा। अभी आप ये नहीं बोल सकते हो, ये हियर यू कैन नॉट से दैट इट इज टेंडिंग टुवर्ड 0 एंड इट इज टेंडिंग टुवर्ड 0, दैट इज बाय 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। हियर इट इज डिफाइंड, डेफिनेटली इट इज डिफाइंड। 0 अपॉन h इज व्हाट, यू कैन आस्क टू एनीबॉडी कि व्हाट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 अपॉन h, यस ऑफ कोर्स इट इज 0, बट इफ इट इज रिटन लाइक दिस साइन 1 साइन h अपॉन h, देन सम प्रॉब्लम मे बी देयर। साइन h अपॉन h है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन h स्क्वायर अपॉन h है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन h अपॉन h स्क्वायर है तो कितना होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। दैट आई अग्री, बट हियर इफ इट इज़ ऑलरेडी 0, अगर ये पहले से ही 0 हो गया तो क्या होगा, तो ये इस तरह का सवाल हो जाएगा जैसे मैं आपको सिखाता हूँ। आपने मान लीजिए लिखा है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए कैलकुलेट करते करते कुछ कुछ करते करते यहाँ पे आ गया आपका 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन एच, तो आपने ऐसा लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, इन दोनों को साथ लिख लिया 2 माइनस 2 अपॉन एच प्लस एच अपॉन एच, तो ये तो इससे कट गया, 1 हो गया। और यहाँ पे क्या मान लेंगे आप, 0। क्यों मान लोगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 हो गया, 0 अपॉन एच इज वॉट, 0। उसी तरह से दोस्तों ये वाली बात भी है कि ये लिमिट इसकी लिमिट क्या दिख रही है आपको, q प्लस दिस, अगर ये कुछ भी और हो जाएगा 0 के अलावा, ऊपर वाला इतना कुछ भी 0 के अलावा हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये इन्फिनिटी हुआ व्हेन वंस आर एच डी इन्फिनिटी, फंक्शन विल नॉट बी डिफरेंशिएबल, बट वी आर गिवन दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देयरफॉर देयर इज ओनली वन चॉइस। कौन सी चॉइस है, कि q माइनस p माइनस 2 मस्ट बी, ये देखिए मैंने लिख दिया मस्ट बी व्हाट, इट मस्ट बी 0, ये 0 ही होगा तभी होगा काम आपका। तो q माइनस p माइनस 2 अगर 0 हो गया तो फिर क्या बचा आपके पास, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना बचा, राइट हैंड डेरिवेटिव बचा q, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है आपके पास, 5, और q माइनस p माइनस 2 कितना हो गया, 0। q की वैल्यू यहाँ ले जाके रख दो आप, तो क्या आएगा आपके पास, 5 माइनस पी माइनस 2, तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, 5 माइनस 2 इज 3, माइनस पी को उधर भेज दो तो प्लस पी हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर, पी इज इक्वल टू 3 एंड क्यू इज इक्वल टू 5, सो इट वॉज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, पी इज इक्वल टू 3 एंड क्यू इज इक्वल टू 5। तो ये था दोस्तों बहुत शानदार सवाल था, और इसकी कॉम्पिटेंसी आपने देख ली होगी कि बहुत ही कॉम्पिटेंट क्वेश्चन था और बहुत ही लॉजिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन था। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन नंबर 4। यू आर हैविंग मेनी क्वेश्चंस इन योर एग्जाम्पलर लाइक दिस, बट द पॉइंट इज डिफरेंट। यहाँ पे हमने जो पॉइंट चूज़ किया है वो पाई बाय 4 चूज़ किया है, उन्होंने कहीं पाई चूज़ किया है, कहीं पाई बाय 3 चूज़ किया है, उनमें प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम आएगी इसीलिए इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है। क्यों, कैसे पता चलता, हाउ डू आई कम टू नो दैट दिस पॉइंट इज़ अ प्रॉब्लम। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये 0 कब होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 0 कब होगा, जब साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स कब बराबर होते हैं, व्हेन एक्स इज
पाई बाय फोर, व्हेन एक्स इज व्हाट पाई बाय फोर. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम, क्रिटिकल पॉइंट. ये क्रिटिकल पॉइंट है. इसके इधर अलग नेचर होता है फंक्शन का, इधर अलग नेचर होता है फंक्शन का, इस फंक्शन का. तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते. हमसे पूछा एफ डैश पाई बाय फोर है, लेकिन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे निकालेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ पाई बाय फोर प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाय फोर होल अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ पाई बाय फोर प्लस एच. इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ पाई बाय फोर प्लस एच माइनस कॉस ऑफ पाई बाय फोर प्लस एच ब्रैकेट ओ मॉड माइनस. अब पाई बाय फोर सब कुछ इसी में रखना है आपको, क्योंकि आपके पास और दूसरी कोई चॉइस नहीं है. होल अपॉन व्हाट होल अपॉन एच. आप ध्यान दीजिए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन पाई बाय फोर प्लस एच को ओपन कर दें, क्या हो जाएगा साइन पाई बाय फोर कॉस एच कॉस पाई बाय फोर साइन एच माइनस कॉस पाई बाय फोर कॉस एच माइनस साइन पाई बाय फोर साइन एच. डायरेक्ट एच की जगह जीरो रखने के फेवर में नहीं रहे आप, थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको. साइन पाई बाय फोर का वैल्यू कितना होता है, तो साइन पाई बाय फोर का वैल्यू होता है वन बाय रूट टू. कॉस पाई बाय फोर का वैल्यू कितना होता है वन बाय रूट टू. तो ये कैंसिल हो जाएगा, होल अपॉन एच आएगा. ये आ गया आपके पास एच. अब देखिएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब वैल्यू रख देते साइन पाई बाय फोर का वैल्यू है वन बाय रूट टू कॉस एच प्लस वन बाय रूट टू साइन एच माइनस. ये आपके पास है वन बाय रूट टू कॉस एच माइनस वन बाय रूट टू साइन एच. अगर आप चाहें तो ये ब्रैकेट भी ओपन कर लें, तो ये फिर माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा आपका, दिस माइनस इंटू दिस माइनस प्लस हो जाएगा. माइनस ये ज़ीरो हो गया तो इसको भूल जाएं, या आप चाहते एक बार लिखना तो एक बार लिख लें. अब आपके पास अपॉन में कितना है एच है, कौन कौन किससे कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है. तो ये आपके पास कितना आ गया, आपके पास ये आ गया लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो वन बाय रूट टू साइन एच वन बाय रूट टू साइन एच टू इंटू वन बाय रूट टू साइन एच होल अपॉन कितना है आपके पास एच. साइन एच अपॉन एच क्या होता है आपको मालूम है, वन होता है वेन एच टेंड्स टू ज़ीरो, रूट टू से टू कैंसिल हो गया ये रूट टू आ गया. तो इसका राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया है इस क्वेश्चन का, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया आपके पास रूट टू. कभी आपको ऐसा पूछा जाए कि एफ डैश पाई बाय फोर प्लस ये क्या वैल्यू होगी, तो एफ डैश पाई बाय फोर प्लस वैल्यू होगी आपकी रूट टू. अब ध्यान दीजिए, अब आपको इसका एल एच डी निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ चेंज आता है और ये यहाँ चेंज आता है, यहाँ पे चेंज आएगा आपके पास, यहाँ चेंज आएगा, और कहाँ चेंज आएगा आपके पास, यहाँ चेंज आएगा. जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ चेंज आएगा और यहाँ चेंज आएगा. अब जब इसको ओपन करेंगे माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. अब इस बार ये कटने की जगह ये कटेंगे, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. देखिए माइनस प्लस ओके कैंसिल, फिर वही हो रहे हैं नो प्रॉब्लम, यही कैंसिल हो रहे हैं नो प्रॉब्लम. अब ये देखिए ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस और माइनस ये दोनों डबल हो गए, तो ये जाएगा माइनस टू इंटू वन बाय रूट टू साइन एच अपॉन वॉट माइनस एच. ये रूट टू इससे कैंसिल हो जाएगा तो रूट टू, और मॉड ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस रूट टू साइन एच अपॉन माइनस एच. साइन एच अपॉन एच कितना हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा माइनस रूट टू.
ये माइनस रूट टू आ गया। अब आप ध्यान से देखें कि एल एच राइट हैंड डेरिवेटिव रूट टू है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना है आपका, माइनस रूट टू है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका माइनस रूट टू है। दोनों अनिक्वल है। अगर दोनों अनिक्वल है तो इसका मतलब है एफ डैश पाई बाय फोर डज नॉट एग्जिस्ट। एफ डैश पाई बाय फोर डज नॉट एग्जिस्ट। तो दोस्तों ये काफ़ी कुछ था जो हमने डिफरेंशिएबिलिटी को दो पार्ट में समेटा और क्लास ट्वेल्थ का ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे, डिफ़िकल्ट थे और अच्छे लेवल के थे, उनको भी हमने इस पर डिसाइड किया और इंक्लूड किया। आप कुछ और चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट बॉक्स पे लिखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों तक बात पहुँचाएँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा हुआ है कि डिफरेंशिएबिलिटी पे सीबीएसई ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम में भी इसका बड़ा ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। हम उन पे भी बात करेंगे और आप मेरे साथ यूं ही बने रहें और खुद अच्छा पढ़ें, देश को आगे बढ़ाएँ और दोस्तों की मदद ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।